पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खूब खरी खोटी सुनाई। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रवक्ता बताया और ये ऐलान भी कर दिया कि बातचीत के सभी रास्ते फिलहाल बंद हैं। एससीओ की बैठक में गोवा आए बिलावल भुट्टो जब तक वापस पाकिस्तान लैंड करते, उससे पहले ही भारत ने पीओके से पाकिस्तान का कब्जा हटाने का डंका बजा दिया। उनका कोई G20 से लेना देना नहीं, आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं। देयर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर, व्हिच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज द ओनली इशू अप फॉर डिस्कशन। विदेश मंत्री यही नहीं रुके और पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमोटर और प्रवक्ता बताकर करारा प्रहार किया। एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। एज अ प्रमोटर, जस्टिफायर एंड आई एम सॉरी टू से स्पोक्स पर्सन ऑफ अ टेररिज्म इंडस्ट्री which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. तो ऐसे उस समिट के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कश्मीर राग छेड़ दिया और विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश की। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो स्वागत सत्कार हुआ वो बिलावल कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एससीओ समिट के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमन चैन की बात की। जहां तक भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ये कहना तो बिल्कुल ही सही है कि असली तौर पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मौकफ आज से नहीं, हमेशा से ये रहा है कि भारत के साथ हम अपना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये हमारा तकरीबन हर मैनिफेस्टो का हिस्सा होता था और इसी कॉन्टेक्स्ट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, सदर जरदारी ने अपने दौर में अपने कोशिशें की। जो नया सूरत हाल है नाउ द ओनस इज़ ऑन इंडिया कि वो ऐसा कोई कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट करे जिसमें बातचीत हो सके। हालांकि इस दौरान बिलावल ने विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं छोड़ा और कहा कि आतंकवाद से दोनों का नुकसान होगा। एससीओ बैठक में पाकिस्तान के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को साफ शब्दों में हिंदुस्तान के इरादे बता दिए। एससीओ बैठक में भारत की खरी खरी सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन को भी सुननी पड़ी। एस जयशंकर ने चीन को भी संदेश दिया। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हैं और जब तक चीन के साथ सीमा विवाद रहेगा तब तक दोनों देशों के रिश्तों में सुधार नहीं आ सकता। I had spoken to Foreign Minister Chingang on the sidelines of the G20 as well. So we have to take the disengagement process forward and I have made it very clear, frankly, publicly as well, and my, you know, what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it, and I have not changed my position at this meeting either. Z News.